कर्ज में डूबे हुए हैं सनी देओल। आखिर उनका पूरा परिवार सिर्फ 2.5 करोड़ के घर में क्यों रह रहा है? पूजा और तान्या नहीं, बॉलीवुड की ये दो अभिनेत्रियां होती हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बहुएं। हाल ही में एक खबर आई थी कि अनिल शर्मा और सनी देओल साथ में दोबारा गदर 2 में आने वाले हैं, लेकिन इस बात पर दोनों ने ही कोई मोहर नहीं लगाई है। और इतना ही नहीं, दोनों ने तो इस फिल्म के लिए इनकार ही कर दिया। इसके अलावा धर्मेंद्र ने नवंबर 2020 में ये घोषणा भी की कि उनकी फिल्म अपने का दूसरा भाग वो जल्द ही ले आएंगे। जिस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अपने में धर्मेंद्र के साथ उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल दिखाई दिए थे, वो ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस फिल्म बन गई। अब इसके अलावा एक बड़ी खबर और है कि इस फिल्म में तीनों देओल तो होंगे ही, लेकिन सनी देओल के बेटे करण देओल भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। इसके अलावा हमें सनी देओल के बेटे करण देओल उन्हीं की निर्देशन की गई फिल्म पल पल दिल के पास में पहली बार दिखाई दिए थे। जी हाँ, करण देओल का उस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। इस फिल्म में करण देओल यानी कि सनी देओल के बेटे एक बॉक्सर का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म में काम करने के लिए करण देओल अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, करण देओल की मदद करने के लिए प्रोफेशनल बॉक्सर्स को बुलवाया गया है ताकि उनकी ट्रेनिंग एकदम प्रोफेशनल लेवल पर हो सके। बॉलीवुड में एक्शन से लेकर रोमांटिक फिल्मों में काम करने वाले सनी देओल अब पॉलिटिक्स में अपना हाथ जमा रहे हैं। वो पंजाब के गुरदासपुर के सांसद भी हैं। सिर्फ सनी देओल ही नहीं, उनकी फैमिली में भी बहुत से लोग राजनीति का हिस्सा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी वजह है कि उनकी प्रॉपर्टी का जिक्र हमेशा चलता रहता है। अब आपको एक हैरान करने वाली बात बता दें, शायद आप इस बात को पहली बार में यकीन ना करें, लेकिन सनी देओल एक बहुत भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। उनका परिवार अभी सिर्फ 2.5 करोड़ के कीमत के मकान में रह रहा है। लेकिन आइए आप सभी को बता देते हैं कि सनी देओल के पास कितनी संपत्ति है। सनी देओल ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उनके अकॉर्डिंग उनके और उनकी वाइफ के पास 53 करोड़ का कर्जा है। कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे सनी देओल अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी और अपने पिता धर्मेंद्र के पीछे कई सालों से संपत्ति के लिए पीछे पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक सनी देओल के पास कुल 83 करोड़ की संपत्ति है। और इसके अलावा सनी देओल और उनकी बीवी ने बैंक से पूरे 51 करोड़ का लोन भी लिया हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा सनी देओल पर 1.7 करोड़ का GST भी बकाया है। अभिनेता धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं। सनी देओल और बॉबी देओल उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे हैं और दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी है। जहां सनी देओल की शादी हुई पूजा देओल से, वहीं बॉबी देओल की शादी हुई तान्या देओल से। अब ये दोनों उनकी घर की बहुएं लाइमलाइट से काफ़ी दूर रहना पसंद करती हैं। लेकिन इसके अलावा एक खबर दोस्तों ये भी थी कि अगर धर्मेंद्र को आपत्ति ना होती तो बॉलीवुड की ये दो अभिनेत्रियाँ आज उनके घर की बहुएं होती। जहां सनी देओल की शादी पूजा देओल से हुई, लेकिन उनसे पहले सनी देओल का नाम काफी बार फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इन दोनों का रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने सनी देओल के लिए पहले से ही एक लड़की पसंद करके रखी थी। इसके अलावा धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री की किसी अभिनेत्री को अपने घर की बहू बनाए। और इसके अलावा अगर बात करें उनके बेटे बॉबी देओल की, तो बॉबी देओल टक्कर हम सब जानते हैं किसके साथ था। बॉबी देओल नीलम से शादी करना चाहते थे। जी हाँ, नीलम और बॉबी देओल दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, नीलम ने तो अपने घर पर अपने घर वालों से बॉबी देओल से शादी करने की बात भी कर ली थी, लेकिन धर्मेंद्र ने यहाँ भी बॉबी देओल को कहा कि वो नहीं चाहते कि बॉलीवुड की कोई भी अभिनेत्री उनके घर की बहू बने, तो इसलिए इनका रिश्ता भी खत्म हो गया। अगर धर्मेंद्र मान जाते तो शायद ये दोनों हीरोइन यानी कि अमृता सिंह और नीलम आज उनके घर की बहुएं होती। अब दोस्तों हो चुका है वक्त कि हम इस वीडियो को अंत पर ले आएं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हम सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातें करनी है तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।